हेलो एवरीवन वेलकम टू सक्सेस क्लासेस आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग रिसर्च टॉपिक्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिसर्च इन पीएचडी गाइड सक्सेस क्लासेस तो हम अपने इस यूट्यूब के माध्यम से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको रिसर्च से रिलेटेड नॉलेज देते रहें जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग फील्ड में उससे भी आपको रूबरू कराते रहें तो आज जो टॉपिक्स में लेके आया हूँ दैट आर रिलेटेड टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऐसे धीरे धीरे मैं यू नो यूनानमसली आप लोग के लिए टॉपिक्स लाता रहूँगा सो टॉपिक्स के बारे में समझते हैं बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब डेट एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आर वेबसाइट दैट इज़ रिसर्च पी एच डी डॉट इन और आज के टॉपिक्स जो हैं ये भी आपको रिसर्च पी एच डी डॉट इन हमारी वेबसाइट पर ही मिलेंगे आप उसको भी जरूर देख सकते हैं फॉर डेली क्विजेज एंड फॉर पी एच डी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम द लिंक ऑफ वेबसाइट फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चलिए आ जाते हैं सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है रिसर्च पी एच डी डॉट इन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको ऐसे एक पोस्ट नज़र आएगा जो मोस्ट रिसेंट होगा दैट इज़ रिसर्च टॉपिक्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और जैसे हम नीचे जाएंगे तो आपको एक एक करके टॉपिक्स नज़र आते जाएंगे है ना ऐसे लिखा हुआ है मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अ कम्पेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट हैं एंड ये टॉपिक्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है खासकर जिनका अभी आगे जा कर के यू नो इंटरव्यू में जो लोग अपीयर होने वाले हैं जिनको अभी रिसर्च uh, प्रपोजल बनाना है या आगे जा कर के इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर ए पी आई स्कोर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन अ रिसर्च पेपर तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और uh, ये टॉपिक्स जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं सीक्वेंस से आपको बता देता हूँ सेकेंड टॉपिक जो है दैट इज़ फाइनेंसिंग ऑफ हाउसिंग सेक्टर इन पंजाब और स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स डिस्प्यूट्रेसल एजेंसी स्टडी ऑफ पंजाब स्टेट ये आप जो है अपनी स्पेसिफिक स्टेट का भी कर सकते हो ठीक है टैक्सेशन ऑफ इनकम इन इंडिया हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसज इन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन पंजाब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और कंपिटेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन पंजाब क्रेडिट मैनेजमेंट के ऊपर है कैपिटल असेट प्राइजिंग मॉडल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट डिस्कलोज प्रैक्टिसज उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बाइंग बिहेवियर ऑफ वुमेन टूवर्ड्स क्लोदिंग बाईबैक ऑफ शेयर्स इन इंडिया कॉरपोरेट गवर्नेंस प्राइसिंग परफॉर्मेंस ऑफ आई पी ओज इन इंडिया प्राइविटी सेक्टर लेंडिंग स्टडी ऑफ कमर्शियल बैंक इन पंजाब रूल ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन मैनेजिंग पब्लिक इश्यूज़ इंपेरिकल स्टडी विद स्पेशल रिफरेंस टू पोस्ट नाइनटीन एटी सेवन तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में अपना रिसर्च पेपर या रिसर्च प्रपोजल लिखने वाले हैं तो ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और एग्ज़ाम्स में अब लेस देन अ मंथ बचा हुआ है तो कैसे हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है आप जैसे जैसे इस पोस्ट के नीचे जाएंगे तो आपको कोइजेस नज़र आने लग जाएंगे कोइज सेवेंटी फ़ाइव मैं आपको बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे नए जुड़ते हैं और बहुत से सब्सक्राइबर्स को पता भी नहीं होता तो मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो भी इसमें ऐड कर रहा हूँ कोइजेज़ जो आ रहे हैं ये क्विज पेपर वन पे आ रहे हैं पेपर वन के दसों यूनिट जो टेन यूनिट्स हैं उन सब के सब यूनिट्स को मैं धीरे धीरे कवर करने की आ, कोशिश करता हूँ इसमें हायर एजुकेशन है है ना जैसे आप इसमें गए इसमें आपने स्टार्ट कोइज पर क्लिक किया तो आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे क्विज में और जैसे जैसे सब नीचे जाएंगे तो आप जो है स्टार्ट कोइज पर क्लिक करके आप कोइज अपना दे सकते हैं और जैसे ही आप कोइज दे देंगे है ना तो आपको जो है अपना परफॉर्मेंस पता चल जाएगा अकॉर्डिंगली है ना यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आफ्टर यू नो क्लिकिंग यू विल बी यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द फिनिश बटन एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर जैसे जैसे आ जाएंगे साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन कलर से शो करता है कि आपका जो है आ, क्या सही आंसर था और नीचे भी आंसर आ जाता है ठीक है तो इससे आपको आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा और इसकी लिंक्स कैसे आती हैं इसका जो बहुत से बच्चे अभी पूछ रहे थे कि क्विज़ का टाइमिंग क्या होता है तो कोई का टाइमिंग जो होता है सच कोई स्पेसिफाइड नहीं है है ना मैं कोशिश करता हूँ कि छः बजे से पहले शाम को डाल दूँ कोइज़ और कोई का जो लिंक है ये आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ भी मिल जाता है आपको और जो है आप उस पर क्लिक करके आप इसका जो है अपना कोइज़ दे सकते हैं और बाद में इसका एनालिसिस भी कर सकते हैं सो so, हाँ सो so, यहाँ पे जो है ये ऐसे आप लोग के आंसर्स शो होने लग जाते हैं और फिर आप बाद में अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई और कैसे आप उसको सुधार सकते हो तो ये तो कोइजेस मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ पर कोइजेस से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट कंसेपचुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल तो इसके लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर जा सकते हैं यूट्यूब चैनल यही है रिसर्च एंड पी एच डी का सक्सेस क्लासेस इसमें जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे ये जैसे आप होम पेज पर आए आपने प्ले लिस्ट पर क्लिक किया तो आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएंगी अगर आप नेट जे आर एफ एवर वन के एम सी क्यूज चाहते हैं है ना उसके ऊपर वीडियोज़ चाहते हैं जो मेरे एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो उसके लिए फर्स्ट पे लिस्ट आपको मिल जाएगी इसमें एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ठीक है जिससे ट्रू एनालिसिस होगा आपको क्योंकि पी वाई क्यू वगैरह तो मैं डालता ही रहता हूँ हमारे कोइजेज़ में जो मैंने अभी आपको दिखाया वेबसाइट में पर यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्ले में आपको मिल जाएंगे एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इस प्लेस का नाम है नेट जे आर एफ पेपर वन इसके बाद जैसे कि आपको जानना है रिसर्च पेपर पी एच डी एम फिल से रिलेटेड क्वेरीज के बारे में आपको जानना है या आ, जो है इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप इस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट में आ सकते हैं इस प्ले लिस्ट का नाम है पी एच डी एम फिल रिसर्च पेपर जिसमें हंड्रेड से ऊपर अभी आपको जो है दिखाई दिया होगा 102 वीडियोस हैं और इसमें बहुत सी ऐसी यू you नो know, टॉपिक्स हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपको भी मन में कभी ना कभी इसके बारे में क्वेरी आई होगी और विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले यू विल बी गेटिंग योर यू नो सॉल्यूशन और आप अपनी क्वेरीज को पूरी तरीके से एलिमिनेट और इराडिकेट कर सकते हैं तो ये इसमें अप्रॉक्स यू कैन से मोर देन हंड्रेड वीडियोज है इसको ज़रूर एक बार देखिएगा कुछ ना कुछ आपको जरूर नॉलेजेबल और फ्रूटफुल यहाँ पे मेरे का लिस्ट ऑफ़ ऑल पी एच डी फेलोशिप्स इन इंडिया जे एफ के अलावा भी बहुत सी यू नो फेलोशिप्स होती हैं इसके बारे में आपको जानकारी होगी ऐसे करते करते यहाँ पर हंड्रेड वीडियोज़ हैं और आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं तो मैंने आपको एक बता दिया अगर आप पेपर वन की तैयारी कर रहे हो और पेपर वन में आप एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जानना चाहते हो तो आपके लिए नेट एफ पेपर वन वाली प्ले काम की है और अगर आप सपोज़ पी एच डी एम फिले रिसर्च पेपर से रिलेटेड जो है नॉलेज लेना चाहते हो तो आप इस प्ले में जा सकते हो इसके अलावा जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आगे जा कर के अपनी पी कर रहे हैं या करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट कॉमर्स तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स की ये जो प्लेलिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेपचुअल जो वीडियोस होते हैं वो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं और समझाया हुआ है हिंदी में तो आप इसको भी देख सकते हैं कई बार आपको कुछ दिक्कत आती है कई बार हमें पता नहीं होता कि कोरिलेशन रिलेशन बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मतलब बहुत ही यू नो सेलेक्टेड टॉपिक्स जिसमें दिक्कत आती रहती है हम सबको उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने कवर किया है इसमें तो ये आप देख सकते हैं ट्रिक्स बताई हुई हैं कैसे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की क्या ट्रिक्स होती हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी पेपर वन में कई बार पूछा जाता है तो स्टैटिस्टिक्स की प्ले आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा आपको जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको यूनिट टू जो है रिसर्च एप्टीट्यूड नेट जेर पेपर एपो वन का यहाँ पर जो पी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको रिसर्च मेथडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत वेटेज रहता है तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स थर्टी टू वीडियोज़ बनाए हुए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे और इसमें जो है आपको बहुत ही क्रिस्प बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जैसे कि हमें जो है टाइप वन एरर टाइप टू एरर और इन समय बहुत दिक्कत आती तो अभी कबीर सिंह बना करो कोरोना सिंह बहुत ही इजी तरीके से इसको आप समझ सकते हैं पिपलियोग्राफी रेफरेंसेस एंड वर्क साइटेड में क्या अंतर होता है और साथ ही साथ क्या है कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं आप टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स में हम कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसके बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है जो कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे आई बी आई डी ऑपसाइट है लोकसाइट है एट ऑल इनको कैसे हम समझें इनको कैसे हम रिमेंबर करें ये भी आपको पता चलेगा विद दी हेल्प ऑफ दीज वीडियोज़ नॉमिनल ऑर्डर इंटरवल एंड एंडल्स रिसर्च में कैसे यूज़ हो सकता है टाइप्स ऑफ रिसर्च बार क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्सेज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है research, ना सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं तो आप डेफिनेटली जो है इन टॉपिक्स को देख सकते हो और इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी का भी अपना इंपॉर्टेंस है रिसर्च एथिक्स हाइपोथेसिस क्या होता है और रिसर्च क्वेश्चंस में क्या अंतर होते हैं इन सब को आप देख सकते हो उनको रेफ़र कर सकते हो आपको जो है प्ले uh, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को uh, जो है नेट जे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए है ना कि कैसे मोटिवेशनल uh, आपको अगर वीडियोस चाहिए या कैसे आप जे अपना एक्टिवेट करा सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट यू नो पॉइंट्स आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप नेट जे की प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है या यू नो ऑल अदर यू नो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस पर्टिकुलर प्ले लिस्ट और यूनियन बजट जो कि फेब में आया था फेब फर्स्ट वीक में उसके ऊपर मैंने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं जो कि अब एग्ज़ाम में जो है आ सकता है पूछ सकते हैं बिकॉज बजट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स ऑल्सो और जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ये आपको हमारी नेट जी आर एफ सेट वाली प्ले लिस्ट में ये जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे इसके अलावा बी एच यू रिसर्च एंडस्ट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर मैंने आठ वीडियोस बनाई हुई हैं है ना इसको आप देख सकते हो कि कैसे जो है क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप आ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो है ना जी वगैरह के ऊपर भी वीडियोस बनी मतलब कुल मिला करके दिस दीज ऑल टॉपिक्स है ना क्योंकि कई बार अक्सर सेम सेम चीज़ों के बार बार मुझे डाउट्स आते रहते हैं तो मैंने कहा कि मैं एक जो जो है ट्यूटोरियल वीडियो बना लेता हूँ जिससे आपको पता चले क्योंकि ये वीडियोज़ किसी काम के नहीं हैं अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो आप लोग के लिए ही बनाए हुए हैं हमने और अगर आप देखोगे आपको समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है तभी हमारी मेहनत साथ जाएगी इसलिए मैं बार बार जो है ये टॉपिक्स या ये चीज़ों के बारे में आपको रूबरू कराता रहता हूँ तो मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्चअल अंडरस्टैंडिंग आपको विद द हेल्प ऑफ प्ले हो जाएगी है ना अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे जो ये है सपोज आपको पी चाहिए आपको पी पढ़नी है तो लर्निंग टैब में आप जा करके इनकी पी डी सी मिल जाएंगी लर्निंग टैब ये थर्ड नंबर पर आपको देखेगा फोर्थ नंबर पर सॉरी तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो लर्निंग टैब में जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं उसके पी डी मिल जाएंगे सपोज हमें वीडियो नहीं देखना हमें पी की ज़रूरत तो है तो आपको सारी की सारी पी डी एफ़्स भी मिल जाएंगी मतलब कुल मिला करके कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है पी डी एफ़्स आपको मिल रही हैं और उसके बेसिस पे यू कैन क्विजेस और क्विजेस हमारे यहाँ आ रहे हैं वेबसाइट से मतलब पूरी एक तरीके से पेपर वन की या रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की या एम एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन भी मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो डेफ़िनेटली रिसर्च टॉपिक्स कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड अगर आपको जानने हैं है ना तो आप इसको जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको कोविड नाइन्टीन के जो जो रि रिसर्च टॉपिक्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये यू नो मिक्सड हैं सब सब्जेक्ट के इसके अंदर शामिल हैं तो ये भी आप जो है देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे uh, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पी डी एफ्स आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो जो कि मैंने आप लोग के लिए बनाई आप लोगों को जो है रिसर्च uh, टॉपिक्स मैंने बताया सबसे पहले जो कि हमारे लेटेस्ट पोस्ट में आपको मिल जाएंगे और उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आगे जा कर के और रिसर्च uh, की जाए इन दी फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि कैसे पेपर वन की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर वीडियोस एंड पी टी एफ आर अवेलेबल इन वेबसाइट एंड इन आर यूट्यूब चैनल सो दिस इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव और अगर कोई आपको क्वेरी आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैव अ वेरी नाइस डे अड